वर्ल्ड ऑफ सोहेल साइंस फैक्ट। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सोहेल साइंस फैक्ट। आज आप इस वीडियो में दुनिया और विज्ञान के कुछ ऐसे अद्भुत खोजों के बारे में जानेंगे जो पृथ्वी पर पहले से अवेलेबल हैं, जिनके बारे में आप जानते हैं, जिन्हें आप सुनते हैं, जिन्हें आप महसूस करते हैं, और ऐसे ही कुछ और चीज़ें हैं जिन्हें आप अपने आसपास देखते हैं और आप उसे नॉर्मल सी आविष्कार समझते हैं, पर शायद आप नहीं जानते। अगर उसका आविष्कार ना हुआ होता तो आज हमारी लाइफ एकदम सी बोरिंग लाइफ होती, कुछ इस प्रकार होती। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विज्ञान के सबसे अद्भुत खोजों के बारे में। अगर यह नहीं होते तो हमारे जीवन का कुछ मूल इकाई नहीं होता, क्योंकि विज्ञान बहुत सी ऐसी अद्भुत खोज कर चुका है जिससे इंसान अपने तरक्की में आगे बढ़ चुका है। पर ये जो छोटी छोटी मैं आविष्कार बताने जा रहा हूँ, जिन्हें आप जानते तो होंगे पर इसका महत्व नहीं देते होंगे, तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ, मोबाइल। आप मानो या ना मानो, मोबाइल हमारे जीवन को बेहतर बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। भले ही आप इसका गलत यूज़ करते हो या फिर सही यूज़ करते हो, पर जब से मोबाइल आया है हमारी ज़िंदगी का जीने का तरीका ही बदल गया। आप जानते होंगे आज से 100 साल पहले, जब लोग 100 साल नहीं 50 ईयर्स पहले ही आप देख लो, लोग अगर दूसरों से बात, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बात करने की कोशिश करते थे तो चिट्ठी की सहायता से बात करते थे, जो महीनों महीनों का समय लगता था। पर 80 के दशक में अलेक्जेंडर ने अपने आविष्कार से दुनिया को चौंका दिया और दुनिया के सामने पेश किया एक अद्भुत नमूना जो आपके हाथ में इस समय पड़ा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोबाइल की। यही है जो हमारे जीवन को और बेहतर बनाया है। पर ये जो आपके हाथ में है, जिसमें मैं पकड़ देर से कर रहा हूँ और अभी तक आप वीडियो को लाइक भी नहीं की हो, इसी बात पर लाइक कर दो। तो जिसने मैं बोल रहा हूँ, जी हाँ, मोबाइल। तो मोबाइल का आविष्कार सन 1877 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। जी हाँ, वैसे तो इसकी शुरुआत 1876 में ही की गई थी, पर 1877 में इन्होंने दुनिया के सामने पेश की। अब आप समझ गए होंगे, आविष्कार तो छोटी है पर इसका महत्व हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा है। मैंने कहा था मैं कोई बड़ी खोजें नहीं बताऊंगा, खोजें तो छोटी हैं पर इनकी जो महत्व है वो बहुत बड़ा है, इनके बिना जीवन का कोई मतलब भी ना होता। सन 1885 में कार्ल बेंज नाम के एक व्यक्ति ने फर्स्ट टाइम पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कार की खोज की। तब से आज तक कार में परिवर्तन आते गए। आप इमेजिन कर सकते हैं बिना कार की हमारी लाइफ कैसी होती। जी हाँ, एक शहर से दूसरे शहर में सफ़र करने के लिए या फिर एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में सफ़र करने के लिए हम साइकिल का यूज़ किया करते थे और मोटरसाइकिल का यूज़ किया करते थे, जिससे आप कोई भी मौसम में हम सूटेबल नहीं थे। बारिश के मौसम में हम बाइक से और साइकिल से परेशान हो जाते हैं, पर जब से कार आया हमारे जीवन को एक और नया मोड़ मिल गया, उसे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। जी हाँ, कार ही हमारे जीवन को और आगे बढ़ाने में मदद की है। मैं बोला था ना, आप सब जानते हैं, बस आप उसका महत्व नहीं समझ रहे हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ थर्ड नंबर की, जिसका नाम है हवाई यात्रा। जी हाँ, जब से इस अद्भुत कारनामे का इन्वेंट हुआ है तब से आज तक मानव लाइफ मानव से एकदम एक्सपेंसिव हो गया है। जी हाँ, हवाई जहाज की मैं बात कर रहा हूँ। हवाई जहाज सर्वप्रथम 17 दिसंबर 1903 में राइट ब्रदर ने सक्सेसफुली एरोप्लेन को लॉन्च किया था। जी हाँ, उन्होंने, अब हवाई जहाज से पहले जब लोग एक देश से दूसरे देश में सफ़र करते थे तो आप समझ गए होंगे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा। लोग पानी वाले जहाज से सफ़र करते थे जो खतरों से भी भरपूर रहता था। जी हाँ, और महीनों का समय लगता था, पर जब से हवाई जहाज आया है जो दूरी से दूरी देश हैं घंटों में तय हो जाते हैं, और यही रीज़न है आज हमारा जीवन और भी बेहतर हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई साहिल, तो रॉकेट साइंस के बारे में क्यों बोल रहा है, या तो हमारे जीवन में उपयोगी नहीं है, तो साइंटिस्ट के लिए। पर एक मिनट ठहरो। जी हाँ, रॉकेट साइंस हमारे जीवन को एक और नज़ारा दिया है। अगर रॉकेट साइंस मतलब वैज्ञानिक लोग अपने तर्क के हिसाब से ब्रह्मांड के तमाम चीज़ों के बारे में खोज ना कर पाते तो शायद आज हम यह नहीं जानते कि सूरज की लाइट की स्पीड कितनी है।
हमारे यहाँ से सूरज की दूरी कितनी है, ब्रह्मांड में कितने तारे हैं, ब्रह्मांड में कितने प्लैनेट हैं, ब्रह्मांड में कितने अजीबोगजीब रहस्य फंसे हुए हैं, और हमारे यहाँ से चाँद की दूरी कितनी है, चाँद को रोशनी कहाँ से मिलती है, चाँद पर इंसान कैसे पहुँचता, ऐसा तमाम सी बातें हैं जो रॉकेट साइंस के जरिए हमें मालूम चली है। और कहीं ना कहीं यह हमारे जीवन को बेहतर बनाने में भी योगदान दिया है। आप इमेजिन कर सकते हो, अगर हम रॉकेट साइंस के बारे में नहीं जानते, हम ब्रह्मांड के बारे में कुछ नहीं जानते, तो रात को आप अपने घर से बाहर निकलकर बस ऐसे आसमान की तरफ देखकर मजे कर रहे होते, चिल कर रहे होते, कैसे स्क्रीन पर देख लो ऐसे मजे कर रहे होते। जी हाँ, मुझे इसके बारे में बताने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। इसका खोज एक सनकी आदमी ने किया था। जी हाँ, जब फर्स्ट टाइम उस आदमी ने दुनिया के सामने इस चीज़ को प्रस्तुत करने की कोशिश की थी डिजिटल कंप्यूटर को, तो लोग उसको सनकी बोल रहे थे कि तुम ऐसा ऐसा कैसे कर सकते हो। मतलब जब इंसान कोई भी चीज़ शुरू करता है तो लोग पहले उसे ही बोलते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चार्ल्स बेबेज की, जिन्होंने 1833 से लेकर 1871 के बीच में एक मैथमेटिकल डिज़ाइन देकर फर्स्ट टाइम डिजिटल कंप्यूटर का रूप दिया। और कंप्यूटर को हमारे लाइफ में क्या योगदान है, क्या विशेषता है कंप्यूटर की, यह मुझसे ज़्यादा बेहतर आप जानते होंगे। इसी कंप्यूटर के जरिए मैं वीडियो को एडिटिंग करता हूँ, इसी कंप्यूटर के जरिए मैं वीडियो को अपलोडिंग करता हूँ, इसी कंप्यूटर के जरिए आप इस कंप्यूटर के संचालक द्वारा आप इस वीडियो को अपने मोबाइल पर देख पा रहे हैं। यही कंप्यूटर है जो पूरी दुनिया को हर समय ऑपरेट कर रहा है। कोई बड़ा से बड़ा काम हो कंप्यूटर ही ऑपरेट करता है। आप कंप्यूटर की विशेषता क्या समझते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय दें। और हाँ, अगर वीडियो की दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी तो अब तक क्या कर रहे हो, यहाँ बारात में नहीं आए हो। जी हाँ, वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक करो, और जो लाल बटन दिख रहा है उसके साथ छेड़छाड़ी करके जो करना है करो, और उसको रेड से हटाकर वाइट में करके मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो की दी हुई जानकारी अगर अच्छी लगी तो हमें ढेर सारा प्यार दें, और ऐसे ही साइंस और फैक्ट से भरपूर वीडियो पाने के लिए हमें ढेर सारा प्यार दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बीस्ट अगेन।